अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में आटा गुनने का तरीका मैं दूंगी। सहरी के लिए आटा गुनना और जल्दी से आटा गुनना है, हमने रोटी बनानी है और आटा गुनना रात को भूल जाएं, तो आप इस तरीके से आटा गुने तो आपका आटा नरम मुलायम बनेगा और फट से आपकी फूली हुई रोटी रेडी हो जाएगी। फूली हुई रोटी बनाएं इस आटे के साथ। किस तरीके से मैं गूंथती हूँ ये आटा, चले आए मेरे साथ रहिएगा। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। हमने आधा किलो के करीब आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून, अगर नमक कम खाते हैं तो क्वार्टर टी स्पून आप नमक डाल सकते हैं। इसमें क्वार्टर टी स्पून करीब नमक डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया। इसमें हम फटाफट से 1 टीस्पून हम इसमें घी डाल देंगे, 1 टीस्पून घी का डाल देंगे, और नरम मुलायम आटा गूंदेंगे। किस तरीके से, नीम गर्म पानी में लूंगी, इसे गुनगुना पानी कहते हैं, वो पानी हम यूज़ करेंगे। और इसको हम पहले मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से घी को, और इसके अंदर हम पानी शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदने के साथ ही हम लेट हो गए आटा गूंदने के लिए, नरम मुलायम आटा गूंदना है। साथ ही आप तवा रख दें और इस आटे को इस तरीके से गूंद लें। आटे को अभी गूंदा नहीं है, इसको मैंने मिक्स करके इस तरीके से रख लिया, ठीक हो गया। साथ ही हम तवा रख देंगे और इसको हम उतनी देर में रहने देंगे। तवा रखते हैं, गर्म होता है तवा। 5 मिनट के अंदर मैं आटा गूंद के रेडी कर लूंगी और तवे के ऊपर हम रोटी फटाफट से बेल के दिखाऊंगी भी आपको, फूली हुई रोटी, कि मैं किस तरीके से फटाफट नरम मुलायम आटा गूंदती हूँ। देखिए सिर्फ 5 मिनट में अच्छे से बहुत ही नरम मुलायम हो चुका है। इस तरीके से आप भूनेंगे तो आप ये देखें हमारा आटा भून के रेडी हो गया, सॉफ्ट आटा भून के रेडी हो गया। अब हम रोटी बना के दिखाते हैं। अच्छे से हमने पेड़ा बना लेना है इसका, इस तरीके से मैं पेड़े बना लूंगी सारे। ये देखें हमने रोटी को बेल लिया अच्छे से, इसको हम बेल लेंगे जल्दी से। गोल रोटी हमारी रेडी होगी, बहुत ही अच्छी बनती है, नरम मुलायम और सॉफ्ट रोटी आपकी बनेगी। जब हमारी रोटी पक जाएगी हल्की सी तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे। नरम मुलायम रोटी हमारी बहुत ही अच्छी सी रेडी हो जाएगी। फूली फूली सी रोटी हमारी रेडी हो गई है, टेस्टी टेस्टी सी, यमी यमी सी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम।